क्रिकेट का सट्टा संचालित करने वाले दिन ब दिन एडवांस होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को उज्जैन एसटीएफ की टीम ने ऑनलाइन सट्टे का एक ऐसा ही बड़ा गिरोह पकड़ा है। सटोरियों के पास से 45 मोबाइल, 2 लैपटॉप के साथ एक ऐसा मोबाइल ब्रीफकेस जंक्शन बरामद किया है जिसमें 26 लाइन एक साथ चलती थी। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी सट्टा संचालक तरह तरह के जतन करके अपने धंधे को हाईटेक तरीके से चला रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला उज्जैन से सामने आया जिसमें एसटीएफ ने इस ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क को पकड़ा और खुलासा किया। एसटीएफ के एसपी मनीष खत्री के मुताबिक सभी आरोपी नीमच के रहने वाले हैं और पूर्व में भी क्रिकेट के सट्टे के आरोप में पकड़े जा चुके हैं। पुलिस द्वारा सट्टा करते हुए पकड़े जाने से बचने के लिए ही इन सटोरियों ने मिलकर हाईटेक डिवाइस के जरिए सट्टा संचालित करने का प्लान बनाया और इन हाईटेक डिवाइस के जरिए सट्टा चलाने की शुरुआत कर दी। गौर करने की बात यह है कि सटोरिये रिसोर्ट और होटल में सट्टे को संचालित करते थे। एसटीएफ इकाई उज्जैन द्वारा ऑनलाइन सट्टा पकड़ने में एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कल शाम पप्पू का ढाबा सोनकच्छ पर उज्जैन एसटीएफ ने दबिश दी थी। रूम नंबर 210 में सट्टा चलता हुआ पाया गया। ये आईपीएल का सट्टा था और इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1,05,000 रुपये नगद, एक जंक्शन बॉक्स मिला है जिसमें 26 लाइन का जंक्शन बॉक्स है, जिसमें एक बार में 104 लाइन से सीधे जो सट्टे का रेट सुनाया जाता था और उसमें लोगों द्वारा दाव लगाया जाता था, और हिसाब रखने के लिए 2 लैपटॉप और बाकी काफ़ी संख्या में मोबाइल फोन इत्यादि जब्त हुए। इनके विरुद्ध विधिवत अपराध कायम कर दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।